नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय नांगलेड़ी बैरावास में स्थित गरवाजी महाराज के यहां पहुंचा हूं। आप लगातार 4-5 दिनों से देख रहे हैं, लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है और पहाड़ों में भी काफ़ी हरियाली, झरने वगैरह काफ़ी आपको दिख रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये गरवाजी महाराज का एक स्थान है, एक तपोस्थली है। यहाँ पर भी झरने की अगर बात करें तो झरना जो है वो बहना शुरू हो गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी भारी झरना है, वो बह रहा है, पहाड़ों से पानी रिस के समय आ रहा है। ये पहाड़ों का जो पानी है वो इधर से गुजरते हुए और ये जा रहा है नदी क्षेत्र में जा रहा है, तो हमने भी काफ़ी सावधानी बरती है। हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको हम अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाएं, अपनी खुद की भी सेफ्टी रखें और लोगों को भी बचाव के लिए हम बताते रहें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जहां मैं खड़ा हुआ हूं इस समय आप देख सकते हैं गरवाजी महाराज का ये स्थान है और यहां पर ये जो पीछे झरना देख रहे हैं, ये जो खाली स्थान देख रहे हैं जहां पानी एकत्रित हो रहा है झरनों का, ये काफ़ी गहरा है और इस गहरे पानी में नहाना या इस तरीके से कोई हाथ पैर धोना या इसके नज़दीक जाना एक घातक सिद्ध हो सकता है। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ अगर आप कोई लोग यहाँ गरवाजी यहाँ आए तो इस जो ये जो खाली स्थान है जहाँ पर ये पानी झरनों का पानी गिर रहा है, ये काफ़ी गहरा कुंड है, एक तरीके से गहरी बावड़ी के रूप में ये है, ऐसा बता रहा है कि जैसे हमने यहाँ के जो लोगों से बात की तो वो बता रहे थे कि काफ़ी गहरी ये बावड़ी है, गहरी पाताल है, इसमें कोई अता पता नहीं कितनी गहरी है, ये अभी तक इसका पता नहीं चला है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगर आप यहाँ गरवाजी महाराज के धोख देने के लिए, आस्था के लिए यहाँ आ रहे हैं तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। देखो यहाँ लिख रखा है ये डेंजर जोन है, जहाँ हम यहाँ इस समय खड़े हुए हैं ये एक डेंजर जोन है, पीछे झरना बह रहा है, इसमें नहाना बिल्कुल सख्त मना है। आप केवल ये झरने जो बह रहे हैं इनको देख कर आप प्रकृति का नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पीछे जो नहाने की जो बावड़ी या फिर जो ये गहरा जो कुंड है इसमें कूद कर नहाना सख्त मना है। यहाँ स्पेशल यहाँ चेतावनी दी है क्योंकि आप इसमें नहा नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी गहरा है, अगर आपको तैरना या फिर आप इसमें नहाएं या फिर गलती से आप इसमें डूब सकते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि लगातार क्षेत्र में जिस तरीके से 5-6 दिनों से जो बारिश हो रही है, प्रशासन भी लगातार आप लोगों को अलर्ट कर रहा है। जिला कलेक्टर महोदय कोटपुतली बहरोड कल्पना अग्रवाल ने भी चेतावनी यहाँ पर दी है कि अगर आप घरों से बाहर निकले तो आवश्यक कार्य आपको हो तो ही आप घरों के बाहर निकल सकते हैं। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।